तो स्टूडेंट्स बुक एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। अब जैसे हमने कहा ही था पहले से कि तीन दिन जो है वो साइंस ऑफ इंडियन मैथ चलने वाले हैं, थोड़ा शेड्यूल आ गया। ये आप तीन दिन मैथ चलेंगे और बहुत सारे लोग बाद में कमेंट्स आए हैं, तो उसमें आया है कि टाइमिंग एक फिक्स कीजिए। मैंने कहा है कि टाइमिंग अभी तो मुझे शेड्यूल्स नहीं बता पाऊंगा मैं, लेकिन आप सब्सक्रिप्शंस और ग्रुप्स ज़्यादा बनते हैं। मेनली ये 10th की क्लास के लिए बच्चों के लिए है, लेकिन 12th भी अगर इसमें ऐड होना चाहेगा तो उनके लिए शुरू होगी। अभी 10th वालों के लिए है ये, क्योंकि इन दो क्लास के बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, उनका एग्ज़ाम्स होने वाला है अगले साल से। अभी तक स्कूल्स तो कहीं हैं, बच्चे अगर कहीं जुड़े होंगे ऑनलाइन से आने का बैठेगा, तो इसलिए 10th का आज स्टार्ट हो गया है। आप लोग ग्रुप बनाइए तो टाइमिंग में कर देंगे। मैसेज आता है तो एक दो लोगों के लिए टाइमिंग करें, किसी का और टाइमिंग हो तो ग्रुप बनेगा, तो फिर आप कॉमन टाइमिंग्स लेंगे, सबसे सजेशंस लेंगे और कॉमन टाइमिंग्स करके उस टाइम। बाकी तो हमारा जो क्लासेस है वो ऑन टाइम चल ही रहा है अपने अपने समय पर, तो वो उस तरह से मेरे पास पेड जुड़ना चाहता है तो उसके लिए कोई बात नहीं है। वो कनेक्ट कंटेक्ट करें तो फिर वो मैच बनवा जाएगा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम चीज होती है कि ग्रुप में जुड़ने में हमको आसानी होती है, मैचेस बहुत आगे तक निकल गया उसमें नया लोग जुड़ रहे तो फिर वो प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप ग्रुप बनाए, आप लोगों के लिए हम टाइम बनाते हैं। मैसेज तो आते हैं लेकिन वो एक दो लोगों के लिए ग्रुप बनाए, आपको दूसरे के मैसेज आए कि आप इस टाइम से वो है, तो ऐसा नहीं। ग्रुप एक बनेगा फिर टाइमिंग काम करेंगे, बाकी तो हम आते रहते हैं। ऑनलाइन आप सब्सक्राइब करके देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस जब हम जैसे ही ऑनलाइन होंगे एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, आप देख लेंगे और उसके बाद सर्च कीजिए लाइन बाई लाइन बिल्कुल स्टेप बाई स्टेप हर चैप्टर्स का वीडियो अपलोडेड होते ही रहते हैं, तो आपको मिल ही जाएगा। और हर बार नए नए तरीके से, यानी कि नया नया कुछ भी उसमें क्वेश्चन जुड़ा हुआ बच्चा आते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ग्रुप बनाइए, तो हो जाएगा। 10th के लिए अभी स्टार्ट कर रखे हैं, 12th वालों के लिए तो दो क्लासेस के लिए ग्रुप आप बना देंगे, तो हम आपका टाइमिंग फिक्स कर देंगे। तो जो मैसेज देते हैं वो नाराज ना होंगे कि अभी टाइमिंग नहीं बन रहा है, टाइमिंग बनेगा, आपका ग्रुप बनने दीजिए। आप खुद अगर बना सकते हैं तो अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने को बोलिए और हमारे पास कमेंट कीजिए, हम कर देंगे। अन्यथा अलग अलग से आते हैं तो हम आपको टाइमिंग आपका फिक्स कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हमें समय ऐसे निकाल के और करते हैं, उसी स्टार्ट कर देंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, पिछले सप्ताह हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 2, एक्चुअल में ये क्वेश्चन नंबर हम लोग कर चुके हैं, तो हम लोगों को देखना है क्वेश्चन नंबर
अब कॉमन फैक्टर जो होगा मैक्सिमम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो एचसीएफ हो जाएगा। तो आप इसमें देख रहे हैं कि इसका भी पावर 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 और ये भी कॉमन फैक्टर है तीनों में, कॉमन तीनों में चाहिए। तो एचसीएफ हो जाएगा हमारा एचसीएफ इज इक्वल टू और एलसीएम क्या हो जाएगा। तो एलसीएम जो ये कॉमन फैक्टर्स है वो तो रहेंगे और इसके अलावा जितने भी रिमेनिंग फैक्टर्स है तो ये क्या होता है टू टू दी पावर टू, ये उसके बाद फाइव इंटू फाइव इंटू और इन सबको प्रोडक्ट कर देंगे फाइव फोर जा ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री जा सिक्सटी और सिक्सटी सेवन जा फोर। तो एचसीएफ हो गया थ्री और एलसीएम हो गया फोर। नंबर थोड़ा गलत है लेकिन इस बार लिखा गलत है फोर ट्वेंटी अब आया इसमें जो मैं क्या कर सकता हूँ। चलिए ये हो गया फर्स्ट का। इसमें कुछ और है क्वेश्चन वो क्या है वो है सेवेंटीन थर्टीन और ट्वेंटी एट। तो आप ये देख रहे हैं कि दूसरे वाले की बात करें हम तो दूसरा वाला हो जाएगा सेवेंटीन का जो फैक्टर है वन इंटू सेवेंटीन क्योंकि प्राइम नंबर है ये। ट्वेंटी थ्री का जो होगा वन इंटू ट्वेंटी थ्री क्योंकि ये प्राइम नंबर है और 28 के वाले कंपोजिट से वन इंटू टू इंटू टू इंटू सेवन। अब यहाँ जो कॉमन पेयर की बात करें तो कॉमन केवल वन है तो इसका मतलब ये हुआ कि एचसीएफ जो हो जाएगा एचसीएफ इज इक्वल टू वन। लेकिन एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ इज इक्वल टू वन फाइव मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही होता है तो वन के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आकाश मिश्रा जब कहाँ से है आंसर तो आपका बिल्कुल सही है और प्रोसेस सही बनाया होगा क्योंकि कैंसर आया है। टाइम में फिक्स कर दिया उस टाइम पर हम आएंगे आप साइंस मैथ आप लोगों का कंप्लीट करवा दें।
कैल्शियम हो जाएगा, जैसे कि क्या नाम था, आशीष मिश्रा, आकाश मिश्रा, आकाश मिश्रा जी ने प्रोडक्ट कर भी दिया है। वो प्रोडक्ट कितना आया है, 10.94 है। हालांकि मुझे ये करना पता, थोड़ा दो मिनट टाइम लगा, लेकिन आकाश मिश्रा ने कर दिया है, तो बहुत मुझे खुशी हुई सर जी। और हमसे जो भी प्रॉब्लम जो भी हमसे सहायता मिलेगी, नंबर आपको हर वीडियो में प्रेजेंट से आप सब्सक्राइब कर लें, और हमसे जब भी आप अपना कोई प्रॉब्लम्स हमको व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा, आपको जब भी मौका मिलेगा हम ऑफलाइन से उनका व्हाट्सएप भी आपको मैसेज दे देंगे जब भी होता है। चलिए तो अगला भी क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है। और अगला एक है 8925, यानी कि 8925। यहाँ पे कुछ ऐसा ही है कि 8 2 into 2 into 2, 5 का सिस्टम प्राइम सी हो गए, 9 के लिए 3 into 3 हो गया, और 28 25 के लिए
ये नंबर्स है 306 एंड 657। एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा 306 इनटू 657 डिवाइडेड 9। और इसको कैंसिल आउट करो, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 3, 4, 22, 1, 26, 1, 7, 8, 3, 3, 3। ये एनसीईआरटी का है, ये कौन पूछा है? साहिल, साहिल कहाँ से है आप? ये एनसीईआरटी बुक से है, 10th क्लास के एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 1.2 का ये क्वेश्चन नंबर अहमदाबाद से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपको, दूर दूर से लोग जुड़ रहे हैं। तो फाइल है एनसीईआरटी बुक्स है 10th क्लास का और एक्सरसाइज नंबर 1.2 है और उसका क्वेश्चन नंबर 4 है और इसके जस्ट लाइव वीडियो जो गए हैं वहाँ तक एक्सरसाइज नंबर 1 से लेकर सारे क्वेश्चंस करते हुए पीछे किया गया है। इस वीडियो में बचे हुए क्वेश्चन जा रहे हैं, यानी कि अब हर क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन आएगा आप लोगों के पास। आप लोग केवल हमसे जुड़े रहिए, लॉकडाउन का समय पड़ने देगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि चेक करना है कि 6 to the power n किसी नेचुरल नंबर n जो है कोई नेचुरल नंबर है। हाँ, आप हमें अभी तो फिलहाल वीडियो में हम डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं एनसीईआरटी का। अगर आपको जैसे कि आर एस अग्रवाल से भी करना है, आर एस अग्रवाल से होता है हमारे पास तो पियर्सन भी, हम हमारे जो जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, हमारा जो अपना ओरिजिनल बैच चलता है यहाँ से, अभी मैं क्लासरूम में ही हूँ और हमारे पास इंटरेक्टिव बोर्ड्स है, इसलिए इंटरेक्टिव बोर्ड पर हम लोग चल रहे हैं। ये क्लासरूम नहीं है, मैं अपने घर पर या कहीं ऑफिस में नहीं बैठा हूँ, क्लासरूम नहीं है। और यहाँ कभी बच्चे बैठा करते थे लेकिन आजकल वो भी ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। आप लोग आप यूट्यूब पर तो आर एस अग्रवाल का हमारे पास पियर्सन से चलती है, हमारे टोटल कोर्सेस हमारे पियर्सन से चलती है। तो आर एस अग्रवाल का अभी जो क्वेश्चन है, आपको जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स आ रही है, हर वीडियो में आप देखिएगा, सब्सक्राइब किए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं होंगे तो लीजिएगा, हर वीडियो में शुरुआत में ही मेरा नंबर्स आता है और वो नंबर हर साइट्स पे है, चाहे वो कोई भी साइट से आप यूज करेंगे, किसी भी साइट से वो क्वेश्चन हम तक पहुँचा दीजिए, दूसरे दिन लाइव में हम लेकर आ जाएंगे या फिर आपको उसी साइट्स के द्वारा उसका आंसर सबमिट करना है। हाँ, तो बढ़िया बात है। तो देखे लोग हमारा नंबर होगा, नहीं होगा तो फिर एक बार आप सभी लोग लिख लें हमारा नंबर 9934596660। इस नंबर्स को आप लोग लिख लें और इस पे सारा साइट्स पे ये नंबर्स
स्टूडेंट्स है, इस नंबर से आप व्हाट्सएप समय कर सकते हैं। रंजन सिंह के नाम से फेसबुक है, हाँ तो बढ़िया बात है। तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप से जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, आशा बॉक्स की हो, पियर्सन से हो, बुक मैटर नहीं रखता हमारा। मैंने कहा ना कि मेरी जितनी भी क्लासेस चलती है पियर्सन से चलती है। यहाँ जो बैठे हुए आपके टेंथ क्लास के बच्चे हमारे पास है, वो ट्वेल्थ के सॉल्व करते हैं, क्योंकि उनका पहले से ही टारगेट है IIT या NEET पे जाने का। तो वो उनका लेवल भी वही चल रहा है। पियर्सन की बुक आप लेकर देखिएगा तो उसमें लेवल पियर्सन में लेवल्स ही वैसे आए कि जो ट्वेल्थ में नॉर्मली पढ़ाया जाता है वो टेंथ तक में है। और आपने वीडियो में देखा होगा तो वो अभी क्या है कि जितने भी वीडियो जा रहे हैं, एक दो वीडियो छोड़ दें तो वो सारे वीडियो टेंथ क्लास का ही है। और मैं वीडियो अपलोड नहीं करता था, लेकिन ये टेंथ क्लास की क्लासेस जो है ये इनका अब टारगेट में जाने वाले हैं, क्योंकि इस साल उनका एग्जाम्स होगा। एग्जाम्स के बाद ये डायरेक्ट IIT के लिए तैयार करेंगे, वो यही रहेंगे। तो इसलिए उन्हीं के वीडियो तो अभी अपलोड हो रहे हैं, बाकी वीडियो स्टोर हो रहे हैं। जब हमको मौका मिलेगा धीरे धीरे सारे वीडियो अपलोड कर देंगे। और ये लॉकडाउन वगैरह इसलिए वो करना पड़ रहा है कि ऑनलाइन उनका जाने लगा तो अपलोड कर देते हैं कि किसी का कोई क्लास मिस हुआ हो तो वो वीडियो को देख लेगा। इसके लिए आर्यन कहाँ से आया? देखिए IIT के मेरे पास देखिए बैचर है, तो मैरवा से आप है हमारे विश्वान में खड़ा हूँ। हाँ तो आप पर्सनली भी हमसे मिल सकते हैं। और IIT की ही बैच चलती है, आप पियर्सन से बुक कर दिया और देखिए उसमें लिखा हुआ IIT फाउंडेशन कृष्णा प्रकाशन का IIT फाउंडेशन। तो हमारे पास तो 7 से बच्चे IIT के लिए ही कम्प्लीट करते हैं, हमारा बैच ही सारा पियर्सन से है। इसीलिए तो मैं चूँकि ये जो NCERT वगैरह हमारे यहाँ चलते ही नहीं, तो मैंने सोचा कि कुछ लोगों के लॉकडाउन जब हुआ है, बच्चे जब परेशान हुए हैं, तो उसमें उस बच्चे ने हमको जो ऐसा है कि जॉब जो अपना है तो उस तरह का जॉब है कि हम पहले से ही ऑनलाइन में थे। अब यह है कि जो प्रोफेशनल ऑनलाइन है तो आप लोगों के पास मैसेज भेजते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं, इसलिए उनको आप लोग जानते हैं। और मैं प्रचार प्रसार नहीं करता हूँ क्योंकि ऑनलाइन आना मेरा जब डॉक्टरों में जा रहते हैं, आप सुबह आते हैं तो आप ये प्रूफ अकेडमी जो है ये ब्रिलियंट स्टडी के नाम से यहाँ कोचिंग चलता है, यूट्यूब पर ये प्रूफ है, ठीक है। और ये महादेवा मालवीय नगर में है, तो आप पर्सनली भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और हमारे पास चार जो अभी बैचेस चल रहे हैं फुल बैचेस, उसमें से 2 IIT, लेकिन आप उसमें आपको जुड़ना संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए हम नहीं कहेंगे कि आप उसमें आकर जुड़ जाएं। और बाकी जो 9th-10th के बैचेस है वो जो बैचेस है वो भी उसी लेवल पर चलती है, पियर्सन से ही चलती है। और बाकी हम ऐसे जाते रहते हैं। नहीं नहीं ये राजू सर का है ब्रिलियंट स्टोकन जो कहते हैं उसमें इंग्लिश पढ़ाई जाती है, वो भी आजकल बंद से चल रहा है, वो नहीं है ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट। आप देखिएगा ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट, ये फिजिकली जो मेरे क्लास रूम में यहाँ जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ वहाँ आएगा तो इस एड्रेस को सर्च करेगा ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट। लेकिन जो यूट्यूब पे सर्च करेगा उसके लिए ये प्रूफ एकेडमी है, यूट्यूब पे जो सर्च करेगा उसके लिए ये प्रूफ एकेडमी है। और जब चीज लोगों बोलता है तो अपना देखना, पहले बोलता है ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स और वो नहीं आकाश मिश्रा जी, ये कोचिंग का दूसरा नाम नहीं है, कोचिंग अपना ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स के नाम से ही चलता है। जब यूट्यूब पर हम गए अपलोड किए वीडियो तो वो वीडियो हमारा अपलोड होगा हमारे अपने क्लास के बच्चों के लिए जो हमारे अपने साथ बैठते हैं उन्हीं के लिए, चूँकि वो कभी क्लास छूट जाता था या ऑनलाइन में कभी घर पर नेटवर्क नहीं होता था तो उसमें लॉग करता था। तो इस वजह से उन लोगों ने हमको बोला कि सर वीडियो हमें अवेलेबल हो जाता तो ये वीडियो जाने लगे थे। उसमें हम ये आने लगा कि जब वो सर्च करते हैं ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट तो बहुत सारा खुल जाते थे ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट। तो आपके जैसे ही कुछ बच्चों ने इसका नाम यूट्यूब पर बदलने का लिया, तो इसलिए जो सजेस्ट किया गया जो यूनिक मिला वो रखा गया नाम ये केवल यूट्यूब पर ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स के नाम से यहाँ नाम मैं खड़ा हूँ, यहाँ से पास होता है। तो फिजिकल
खाली यहाँ बच्चे बैठते हैं अभी फिलहाल, वो भी ऑनलाइन पे है। तो ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स के ऐप से ही उनको पढ़ाया जाता है, मीट से पढ़ाया जाता है और माई कोचिंग ऐप से पढ़ाया जाता है। तो इसलिए दोनों नाम से कोई मतलब नहीं है, केवल नाम आप लोगों के लिए बदला गया कि आप लोग जैसे रिसर्च करता था और बहुत सारे ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट खुल जाते थे और हमारे लोगों ने होने की वजह से उनको दूसरी मैटर मिल जाते थे, इसलिए बच्चे हमको कंप्लेन करते थे। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग नाम रखो, उन लोगों ने नाम रखा है। बाकी एक्चुअल में ये जो कोचिंग सेंटर है ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स है और इसी नाम से आज से बहुत पहले से, और गूगल पर तो ये बहुत पहले से, लेकिन ये प्रोफेशनल की तरह हम प्रचार प्रसार नहीं किए थे क्योंकि ऑनलाइन हम तो जुड़े नहीं थे, हम पर्सनली फिजिकल मिलाते थे। चलिए ऑनलाइन आना पड़ा युवाओं को जैसे, तो ये आप देख रहे हैं कि अगला क्वेश्चन सुन लो का है। ये क्वेश्चन है कि कोई नेचुरल नंबर n है और 6 टू द पावर n क्या 0 से n हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये चेक करना है। तो चूंकि बाकी सारे क्लासेस में आप देखते रहिएगा तो अपलोड होंगे धीरे धीरे, क्लास जो चलता है वो अपलोड होते रहा है, तो थ्योरी में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि एक आपके ही क्लास में एक थ्योरी है FPA और उस थ्योरी में ये कहा गया है कि कोई भी नंबर का एक यूनिक प्राइम फैक्टर, एक कहने का मतलब कि जितने भी उसके आएंगे वो प्राइम फैक्टर्स यूनिक आएंगे दूसरा नंबर। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक FPA आपके क्लास में आपके बुक में ही है, आप आर सवाल में देखेंगे मिल जाएगा, जस्ट यूक्लिड थ्योरम्स के नीचे है। तो मतलब इस यूक्लिड थ्योरम उसके बाद तीसरे वाले शायद पेज में होगा। तो उसमें कहा गया है कि हर एक नेचुरल नंबर का जो प्राइम फैक्टर्स होगा वो यूनिक होगा, ऐसा नहीं होगा कि उसी को डिविजिबल करते हुए दूसरा एक और भी फैक्टर्स मिल जाए। तो यहाँ पर उसी का इस्तेमाल करेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 6 टू दी पावर n, तो इसको हम फैक्टर्स कर देंगे 2 × 3 टू दी पावर n और इसको अलग अलग करेंगे तो ये मिलेगा 2 टू दी पावर n इंटू 3 टू दी पावर n। इसका मतलब ये हुआ कि इसके फैक्टर जो हुए 2 × 2 × 2 इंटू अप टू एन कैप्स इंटू 3 × 3 × 3 × n। आप उसी फंडामेंटल थ्योरम्स का इस्तेमाल करेंगे और उसके अलावा उसके साथ हम ये देखेंगे कि अब इसका दूसरा कोई फैक्टर तो होगा। तो अकॉर्डिंग टू FPA FPA 6 has only factors as 2 and 3। FPA के अनुसार ये कहता है कि 2 और 3 ही 6 के क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे और 2 × 3 = 6 ≠ 0। यानी कि 2 और 3 के बार बार मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमेशा वो आखिरी यानी कि लास्ट डिजिट 6 ही आएगा। तो 0 से तो ये एंड होगा नहीं, 0 से एंड होने के लिए 2 और 5 एक फैक्टर होना जरूरी है। हेलो लकी सर, लकी जी कल भी जुड़े थे शायद आप और बीच में डिस्ट्रक्ट हो गया था, तो आज तो पूछेंगे नहीं कि कहाँ से है, कभी पता है कहाँ से है, बड़े बढ़िया है, लेट हो गया आपको जुड़ने में, गुड मॉर्निंग, लेट हो गया थोड़ा सा आपको जुड़ने में, कोई बात नहीं, अभी है हम रहेंगे जहाँ है वहाँ से देखिए, और बाकी तो ये लाइव है, लाइव के बाद भी ये चैनल
मिलेगा, लेकिन ये जब प्रोसेसिंग हो जाएगा तब शायद ये आपको कल से मिलेगा, कल से आपको मिल जाएगा। रात तक में प्रोसेसिंग हो जाता है, क्योंकि ये हमारे बस में नहीं है, तो हमको दो चार घंटे में डाल देते हैं। ये यूट्यूब भी प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद आपको वीडियो मिल जाएगा, बाकी आप देख लीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा आप लोग। और उससे ज़्यादा ये है कि शेयरिंग दीजिए इसको बहुत ज़्यादा, और ग्रुप्स बनाइए, जो हम टाइमिंग फिक्स करते हैं। और दूसरी चीज़ की जो लोग भी जुड़ते हैं वो प्रैक्टिस घर पे करें, और उनको जो भी प्रॉब्लम्स है हमारे नंबर्स पे हमको व्हाट्सएप से क्वेश्चन डाल दें, तो हो सकता है कि अगले दिन आपका ही क्वेश्चन लेकर मैं आऊँ। और साथ ही साथ अगर नेसेसरी होगा कि वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है इसमें, तो आपको व्हाट्सएप से उसका आंसर चला जाएगा, तो आप व्हाट्सएप भी आपको इस्तेमाल कीजिए। जिस तरह से हमारा केवल व्यू है बच्चों को पढ़ाना, और आप जैसे बच्चों के लिए जो मेहनत करता है, यूट्यूब ऐसे देखने के लिए कोई है तो उसके लिए तो मेरा नहीं है कुछ भी, लेकिन जो मेहनत करना चाहता है उसके लिए हम हर वक्त हाजिर है अपने टेंशन से। चलिए, तो यह चीज होगा, तो हम ये जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट जीरो से एंड हो, हाँ चलिए अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मना लिया कि मैं टाइम तो बहुत बीत गया था, फिर भी मैंने सोचा कि क्यों मैं शुरुआत से नहीं करूँ। तो जैसे कि हम भी जल्दी जल्दी करते चलेंगे, आप लोग भी कर लिए हैं, ज़्यादा रिवाइज करते चलिए, अच्छी बात है। और जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो अदर्स रेफरेंस बुक से तो हमको भेजिए। चलिए, तो हमको जीरो से एंड होने के लिए ये नेसेसरी है कि उसमें एक फैक्टर्स फाइव और टू प्रेजेंट्स हो, तो उसको हम तो लिख देंगे एसेंस फॉर एंड विथ जीरो टू एंड फाइव एज अ फैक्टर्स मस्ट बी प्रेजेंट हो, तो उसके लिए एक दो और फाइव ये दोनों एक साथ फैक्टर्स प्रेजेंट होना, प्राइम फैक्टर्स प्रेजेंट होना जरूरी। और यहाँ पे एफपीए के अनुसार हमने देख लिया कि सिक्स के बाद सिक्स जो है उसके पास केवल दो और तीन, कितने भी है एन नंबर तक है, लेकिन केवल दो और तीन फैक्टर्स है जो कि टू और फाइव नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिक्स एन नेवर बीन एंड विद जीरो, यहाँ लिख रहे हैं सिक्स टू द पावर एन नेवर विथ जीरो। ये रहा आपका जो पांचवा नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.2 का, और इसमें ये जब क्वेश्चन आएगा तो ये चार नंबर का होगा, इसके पीछे जितने क्वेश्चन बताया गया वो एक या दो नंबर का होगा। एक इक्विलिट्स जो था जिसको प्रूफ करना था वो नंबर तीन या चार में हो सकता था, लेकिन बाकी सारे जीत मंडल के मंगल देवजीत मंगल जी, गुड मॉर्निंग, आप कहाँ से हैं? चलिए, तो ये तीन या चार नंबर के क्वेश्चन आएगा ये वाला क्वेश्चन, तो यहाँ क्वेश्चन से एक होगा और वो ये सिक्स एम हो गया, दूसरा हो सकता है शिवान शहर का आपका नाम है हरियाणा से, अच्छी बात है, लेकिन मेरा यहाँ शिवान शहर का नाम है लेकिन बिहार। चलिए बहुत बढ़िया जुड़े हुए, तो चलिए ये सिक्स एक्स हो सकता है या फोर टू दी पावर एन या अदर कोई भी एट टू दी पावर एन, लेकिन ये क्वेश्चन से आए और आता है, तो ये कोई भी होगा निकालेंगे ऐसे, जिसके पावर सेंस दिया होगा उसमें क्या करेंगे कि उसके फैक्टर्स निकाल देंगे,
अगर उसके फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों प्रेजेंट्स है तो क्या हो जाएगा, उसमें 0 से वो एंड होगा। अगर 2 हो 5 ना हो या 5 हो 2 ना हो तो फिर वो फैक्टर्स वो कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। जैसे मान लो कि हमने ले लिया 15 टू द पावर है, तो इसमें 5 तो आएगा लेकिन 2 नहीं आएगा, 3 × 5 5 तो आएगा लेकिन 2 नहीं आएगा, तो ये भी 0 से एंड होगा। तो इस तरह से हम एफटीए का इस्तेमाल करके पहले निकाल लेंगे कि उसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं और उस फैक्टर्स में 2 और 5 प्रेजेंट है अथवा नहीं है, और उससे हम डिसाइड कर लेंगे कि ये निकलेगा 0 से एंड होगा या नहीं। ठीक है, अगर होगा तो होना लिख देंगे, नहीं होगा तो नेवर भी। चलिए अगला क्वेश्चन, और इसमें एक्सप्लेन करना है कि 7 × 11 × 13 + 13 कंपोजिट नंबर है, साथ ही 7 × 6 = 5, 4, 3, 1 + 5 कंपोजिट नंबर है। तो पहले कॉर्ड्स को हम जान लेते हैं कि यह फिक्स A×B = AB, ये नंबर है तो ये AB नंबर कंपोजिट होगा, जो भी AB नंबर आएगा वो कंपोजिट होगा। तो कैसे कि इसका फैक्टर्स एक 1 होगा, एक बी होगा, एक ए होगा और एक ए बी होगा, ये इसके 4 फैक्टर्स हो जाएंगे। अब कंपोजिट्स के लिए मोर देन 2 फैक्टर्स है प्रूव दैट कंपोजिट्स के लिए क्या है कि नंबर दोज नंबर्स आर ऑल कंपोजिट नंबर व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, वो सारे नंबर कंपोजिट नंबर कहलाएगा जिसमें 2 से ज्यादा हो, तो कोई भी नंबर उसमें 1 और उसका इटसेल्फ 1 और इटसेल्फ क्या हो जाता है, फैक्टर्स तो होता ही होता है, तो 2 तो यही हो जाता है, और इसके अलावा कोई भी फैक्टर्स आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो इसमें बी और ए बढ़ गया क्योंकि ए भी ए से भी डिवाइड होगा और ए भी बी से भी डिवाइड होगा, इसका मतलब इसके फैक्टर्स ज्यादा है 2 से, तो इसलिए कंपोजिट है, और इसी थॉट का हम वहां इस्तेमाल करेंगे। चलिए थॉट का इस्तेमाल करेंगे और उसमें हमारा पहला लेते हैं 7 × 11 × 13 + 13। आप इसमें क्या करेंगे कि यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, कॉमन कर लेंगे तो 13 हो गया और प्लस 7 × 11 + 1, तो यहाँ तो छोटा है, कैलकुलेट करके लिख सकते हैं कितना होगा, लेकिन अगर बड़ा नंबर जैसे उतना ही आएगा उतना कम होकर कैलकुलेट करेगा, तो उतना कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ आप दिखा देंगे इट हैज मिलेगा 7 × 6 × 3 × 2
तो कुछ भी मल्टीप्लाई करके यहाँ है, एक नंबर ये हो गया और एक ये नंबर हो गया, तो इसके पास दो से ज्यादा फैक्टर्स हो गए, इसलिए ये भी कंपोजिट नंबर होगा। तो दोनों कंपोजिट नंबर होंगे। तो यहाँ इस सवाल में यही करेंगे, केवल दो फैक्टर्स में बना देंगे और उसको कैलकुलेट करके लिखना जरूरी नहीं है कि वो कितना होगा, बस हम ये बता देंगे कि एक फैक्टर से है और एक फैक्टर से है, और जो पूरा प्रोग्राम है वो इसका फैक्टर्स होगा और एक सबका फैक्टर्स होता है। तो इसके पास मोर देन टू फैक्टर्स हो गए, इसलिए कंपोजिट नंबर है। एक क्वेश्चन है और आगे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि एक सर्कुलर पाथ है और सर्कुलर पाथ पे दो व्यक्ति एक ही साथ एक ही जगह से रनिंग स्टार्ट करते हैं, सोनिया और रवि। एक 18 मिनट्स में क्या करता है, एक राउंड स्कोर करता है और सोनिया और रवि जो है वो क्या करता है, वो 12 मिनट्स में एक राउंड कंप्लीट करता है। अब इस क्वेश्चन में है कि दोनों एक ही समय एक ही साथ स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट जो उनका है वो एक ही समय है, तो फिर अगली बार कब वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट्स पर आएंगे। तो एक क्वेश्चन ये होगा, एक क्वेश्चन चाहता है कि सिग्नल्स पे लाइटें जो है अलग अलग सिग्नल्स पे अलग अलग जलती है, उनका टाइमिंग दिया रहता है कि इतने सेकंड्स के बाद जलती है, वो इतने सेकंड्स के बाद जलती है, और एक साथ एक बार जलेंगे तो अगली बार वो कब जलेंगे एक साथ। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो इस तरह का हो या फिर वो सिग्नल वाला, सब में जितने दिए गए हैं उनके क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे, तो वो अगला टाइमिंग होगा उनका फिर से एक साथ होने का। तो यहाँ भी वही करेंगे, निकाल देंगे, निकालना ये है कि हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन। तो ये निकालेंगे कि मिनट्स व्हेन दे मीट अगेन again is equal to LCM of 18 and 12 or बिल्कुल सही है, सभी लोगों ने सही बनाया है। और कौन है, विक्की लक्की सिंह, सभी लोग सही बनाया हुआ है। 36 मिनट यानी कि जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो वो हो जाएगा 36 मिनट्स। तो 36 मिनट्स के बाद फिर वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से एक दूसरे के साथ स्टार्ट कर सकते। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है या फिर सिग्नल होता है, तो इस क्वेश्चन को इस तरह से करते हैं। अगर कोई ऐसा मैक्सिमम के लिए पूछे तो एसीएम निकाल देते हैं, और नेक्स्ट या मिनिमम के लिए पूछे तो एलसीएम निकाल देते हैं। ये सारे क्वेश्चन को ऐसे रिलेट करके हम करते हैं। तो 1.2 आज खत्म हो गया, इतने क्वेश्चन है उसमें, एनसीईआरटी में आप लोग देखते होंगे, तो इसलिए आज भी हम यहीं पर रुकेंगे। लेकिन आप लोगों के लिए एक सलाह देकर जाते हैं कि आप ये ना पूछें कि एनसीईआरटी से आ रहा है तो एनसीईआरटी से, आपको किसी तरह के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम्स होता है तो हमारा नंबर्स है, सभी लोगों को जिससे हम पूछा वो कि सब्सक्राइब कर पाए कर लिए हैं, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। तब तो हमारा नंबर सर वीडियो में दिखता है, दिखा होगा, और आप उस पर जी। तो आप सभी लोग क्या करेंगे कि आपको किसी भी पूछ सकते, आप ऐसा ना करें कि एनसीईआरटी चल रहा है एनसीईआरटी हम पूछेंगे तो ही क्यों,
किसी भी बुक से, चाहे अग्रवाल हो, पीयरसन हो, आरडी शर्मा हो, कोई भी, या आपके जैसे एक बहुत सारे किसी ने अहमदाबाद से साहब साबिर साहब, तो आप अपने कोर्स से भी कोई क्वेश्चन हमको भेज सकते हैं, क्योंकि कोर्स का नाम बदलता है, क्वेश्चन और थ्योरी नहीं बदलती है, न्यूटन के या नॉलेज की, चाहे किसी के भी थ्योरीज नहीं बदलेगी। तो आप अपने कोर्स के भी कोई क्वेश्चन बुक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिस स्टेट में आप हो गए वहाँ के भी उस बुक से भी, आर डी शर्मा से, आर एस अग्रवाल से, आर के सिन्हा से, के सी सिन्हा से, या फिर पियर्सन से, किसी भी बुक से, प्रकाशन के लिए कोई बॉन्डिंग नहीं है, किसी भी बुक से आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप क्वेश्चन हमको व्हाट्सएप कर दीजिए, अगर टाइम मिला तो हम आपका क्वेश्चन सब ऑनलाइन भी जोड़ देंगे, या फिर आपको पर्सनली बाय व्हाट्सएप से क्वेश्चन के आंसर चला जाए, कोई भी आप क्वेश्चन पर जवाब कर सकते हैं। और जैसे कि अभी संख्या मुझे लगता है थोड़ा बढ़ गई, अगर हमें संख्या लगेगी कि बढ़ गई और कुछ ग्रुप्स बन गए, तो हम आप लोगों को एक टाइमिंग देंगे और मीट से जोड़ देंगे, तो आप लाइव क्लास की तरह हमारे बच्चों की तरह क्लास आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, हम जोड़ सकते हैं ऐसा आपको। तो जब आप हमारे साथ जुड़िएगा तो ग्रुप बनने दीजिए, और वैसे यूट्यूब पर तो हम आते ही आप सब्सक्राइब किए हैं तो आपके पास मैसेज तो जाएगा, जैसे ही हम ऑनलाइन होंगे आपके पास मैसेज चला जाएगा। तो अगर जैसे वो मेहरवा से ठीक है, थैंक यू।